जो मैंने पढ़ा भी है, उस पर रिसर्च भी किया है और साथ ही मैंने इसको थोड़ा जीने की कोशिश भी की है। तो ये जो सेशन है आज, ये एक कॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा एप्लीकेशन का, और हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं अगर अगर हमें एप्लीकेशन के फॉर्म में इसको समझना है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक है, इसकी वेबिनार मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी कहीं पे ली थी, और तब तक मुझे पता नहीं था कि ये, मतलब इसका कुछ गूगल पे ऐसे कुछ सेशंस चल रहे हैं। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो एक फॉर्मल वर्ड हो गया है। फिर मैंने उसको उस दृष्टिकोण से देखा कि किस क्यों ये फॉर्मल वर्ड हो गया, क्यों ये धीरे धीरे जो लोग हैं इसको एक नए टर्म के रूप में पहचान रहे हैं, माइंडफुल पेरेंटिंग। तो एक्चुअली इसका कारण ये है कि पेरेंटिंग एक ऐसी कला है जिसको आप बोल सकते हैं, इसको आर्ट ही बोल सकते हैं, जिसका कोई रूल नहीं होता, जिसका कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता, और जिसमें कुछ सही या जिसमें कुछ गलत भी नहीं हो सकता। पेरेंटिंग जो है उसको कभी भी ये नहीं ठहराया जा सकता कि हाँ इसकी ये अमुक चीज सही है, इसमें आप इतना चीज डालोगे तो इसका ये आउटकम निकलेगा, और ये चीज डालोगे तो इसका ये आउटकम निकलेगा। और इसका रिजल्ट जो है हमने इस रूप में भी देखा होगा कि जब किसी घर में तीन बच्चे होते हैं या चार बच्चे, हम भी चार बहन भाई हैं, तो जब हमको ये आउटकम जो है वो हमारे पेरेंट्स से जब फीडबैक मिलता है, तो वो जो फीडबैक है उसको हम चारों जो बच्चे हैं या तीन जो बच्चे हैं वो अलग अलग रूप में जो है उसमें आता है। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो बड़े ही अच्छा आंसर देते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब केवल ये ही नहीं है माता पिता, पेरेंटिंग का मतलब है आसपास का वातावरण, पेरेंटिंग का मतलब है कि किस तरीके से वो व्यक्ति भी उस चीज को समझ रहा है, पेरेंटिंग का मतलब है कॉम्बिनेशन, किस कंटेक्स्ट में कौन सी बात कैसे और किस रूप में कही गई। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आ पाती, हर बार हम उसको जो है उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो पेरेंटिंग का एक नेचुरल फिनोमिनन है, और नेचुरल फिनोमिनन में हम जब भी रिएक्ट करते हैं, हम बस रिएक्ट करते हैं, हमको नहीं, मतलब हम कभी भी जनरली जो लोग हैं वो एनालिसिस नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग विच कम्स इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन, इट कम्स लाइक दैट। तो जो है प्रश्न ये आता है कि फिर जो है पेरेंटिंग को कैसे फिर ठीक कर सकते हैं अगर ये नेचुरल फिनोमिनन है, या फिर क्या सच में ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई चीजों की जरूरत है जहाँ पे हम इस पे सोचा जा सके कि इसको बेटर बना सकते हैं, या जो है वो ठीक है, क्या क्या चल रहा है, हम कैसे असेस कर सकते हैं जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अगर मैं कुछ इसमें चेंज करूँ या करना चाहूँ तो क्या ये मैं इसमें और बेटर कर सकते हैं, मैं कैसे पता करूँ कि जो चल रहा है वो ठीक है, उसका आउटकम बेटर होगा। कई बार ये प्रश्न से जो है हम ये प्रश्न हमारे माइंड में जाते हैं, और ये प्रश्न ठीक भी है, ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो किसी भी पेरेंट के मन में आते हैं। इसीलिए माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो शब्द आया। माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आप अवेयर है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो रिएक्शन दे रहे हैं उस रिएक्शन के प्रति भी आप अवेयर है कि आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं, और आपके मन में जो चल रहा है और आपने वही बात किस कंटेक्स्ट में बोली उसके प्रति भी आप अवेयर है क्या हो रहा है, आपके सामने जो व्यक्ति है और उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति भी आप अवेयर है कि क्या हो रहा है। तो माइंडफुलनेस जो है वो इस चीज में अवेयरनेस के कॉम्पोनेंट को लेकर आती है। माइंडफुलनेस जो है वो अवेयरनेस से काफी रिलेटेड है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारा व्यवहार जो है वो बहुत नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो सीख लिया गया है, जो ऑलरेडी हमारे पार्ट बन चुका है हमारा व्यवहार, और वो जो व्यवहार है, जो हमारा जो हमारे ट्रेड्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और उसके बेसिस पे जो है हम लोग आगे जो है क्रिया और प्रतिक्रिया कंटिन्यूअस करते रहते हैं। जब आउटकम उसका कुछ खराब निकलता है तब हमें ऐसा लगता है कि अरे क्या था वो, कैसे हुआ ये तो नेचुरली क्या होता है कि हमारा मन जो है वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया उसे सीखे, जिसको फ्रॉयड ने डिफेंस बोला है, और काफी लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि हम अनकॉन्शियसली उससे बचने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं वो व्यक्ति है ना वो उसने मेरे को बहुत गुस्सा दिलाया, वो व्यक्ति ही खराब था, उसको इस तरीके से बोलना चाहिए था, वो ये बच्चा है ना बार बार काम ही ऐसे करते हैं कि वो मेरे को इरिटेट करे। तो इस तरीके की जो है ये चीजें हमारे मन को उस टाइम संयमित कर दे, हमें लगता है कि नहीं ठीक है हो गया, होता है नेचुरल है, होगा मुझे गुस्सा ठीक है कोई बात नहीं है। इसी तरीके से कई बार ये भी हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं ही गुस्से वाली हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं फिर गिल्ट में जो है, गिल्ट एक प्रिपरेशन जो है वो होती चली जाती है और एक साइकिल उसकी बनती चली जाती है। तो ये हो गया। तो ये क्या है, कुछ डिफेंसेज है अलग अलग तरीके की जो हम करते रहते हैं, कई बार हम जो है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, किसी और व्यक्ति पे डिस्प्लेस कर देते हैं, या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऐसे कई तरीके की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती रहती है हमारे मन में, और ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से मन जो है अपने आप को जो है
अपनी मन की एक, क्या हम उसको बोल सकते हैं, हार्मनी को बनाए रखते हैं कि हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, एकदम मन हमारा खुश रहता है कि चलो हमने कोई गलती नहीं की, हम ठीक हैं, परफेक्ट। माइंडफुलनेस जो है वो बिल्कुल इसके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट की प्रक्रिया है। माइंडफुल क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि टू अवेयर व्हाट इज हैपनिंग बट नॉट टू रिएक्ट कि व्हाट इज हैपनिंग। मुझे पता है कि सामने ये हो रहा है बट ये गलत है या सही है ये जजमेंट मैं नहीं कर रहा, ये माइंडफुलनेस में नहीं आता। माइंडफुलनेस का मतलब टू बी माइंडफुल, मुझे बस ये समझना है कि हो रहा है कुछ, पहला ये, और जो हो रहा है वो हो रहा है, बस दूसरा ये। इसके अलावा माइंडफुलनेस में ना जजमेंट आता है, ना माइंडफुलनेस में कोई इवेल्युएशन आती है, ना ही माइंडफुलनेस में कोई अनकॉन्शियस जो हमारे पैटर्न है उसको हम इन्वॉल्व करते हैं, रादर वी बिकम माइंडफुल। और माइंडफुलनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, जब रिएक्शन नहीं होता तो फिर कोई डिफेंस भी नहीं आती, जब कोई डिफेंस नहीं आती है तो कोई गिल्ट मेकिंग की साइकिल भी नहीं जाती, और जब गिल्ट मेकिंग की साइकिल भी नहीं होती है तो व्यक्ति जो है उसको सही और गलत का सही जो है वो अंतर समझ में आ जाते हैं कई बार। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पेरेंटिंग में कुछ भी गलत और सही नहीं होता है, पेरेंटिंग जो है वो पेरेंटिंग होती है। एक एक बच्चा है, उसने हमको एक जो है एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम वो लेके आता है, या फिर हमारे और उसके बीच में एक इंटरेक्शन होता रहता है 24 आवर्स, ठीक है, जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन में हम क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस समय आ रहा है, आपकी मनस्थिति क्या है उस समय, आप डिस्टर्ब हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको कोई और स्ट्रेस हो रहा है, या आप किस मनस्थिति में है, पहला कहाँ बैठे हैं, कितने लोग आपके आसपास बैठे हैं, वहां पे आपके पास कितने रिसोर्सेज अभी मन के अवेलेबल है। रिसोर्सेज मतलब जैसे कोई बहुत जो है वो बहुत उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बात करेंगे, किसी किसी को बहुत फर्क पड़ता है कि लोग क्या बात करेंगे, तो ये भी हमारे मन के रिसोर्सेज होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे मन वो सब कॉम्बिनेशन के साथ में बच्चा जो है वो कोई बात लेके आता है, तो उसकी रिएक्शन होती है और धीरे धीरे एक साइकिल हमारी चलती चली जाती है, और जो बच्चा है वो हमारे हमारे प्रति एक दृष्टिकोण डेवलप करता जाता है, हम बच्चे के प्रति एक दृष्टिकोण डेवलप करते जाते हैं, वो हमारे प्रति एक दृष्टिकोण डेवलप करते हैं, हम उसके प्रति दृष्टिकोण डेवलप करते हैं, और ये प्रक्रिया इतनी नेचुरल वे में होती है कि हमें समझ ही नहीं आती कि किस कब हमने जो है एक जो है रिजिड दृष्टिकोण जो है अपने बच्चे के लिए फॉर्म कर लिया, और ना बच्चे को ही समझ आता है कि कब उसने रिजिड दृष्टिकोण जो है फॉर्म कर लिया। और एक समय आता है जब दोनों को एहसास होता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये तो देखना अभी मैं जाऊंगा बिल्कुल ये रिएक्शन आने वाली है, ये मेरी मम्मी की, देखना मैं जानता हूँ मेरी मम्मी को, मैं जानता हूँ मेरे पापा को, पापा बोलेंगे ये देखना ये बच्चा आएगा ना ये बिल्कुल ऐसे ही बोलेगा, मुझे पता है ये बात। तो ये क्या है, ये है कि हमने एक पर्टिकुलर जजमेंट जो है वो बना लिया और हमें पता है कि ये चेंज नहीं होगा। ये माइंडफुलनेस के बिल्कुल जो है अलग चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरली डेवलप हो रही है, माइंडलेसनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत या सही है, बट इसमें आपको ये नहीं पता होता, या मुझे भी, हम सबको ये पता नहीं होता कि कब कौन सी चीज कैसे फॉर्म हुई, और कब गिल्ट भी हुई थी, कब गिल्ट में हमने उसको डांट दिया, कब उसमें गिल्ट फॉर्म हुई, कब उसकी गिल्ट कंटिन्यू साइकिल में चलती जा रही है, कब हमारी गिल्ट चलती जा रही है, किस तरीके से चीजें हो रही है, और ये जाने अनजाने होती जा रही होती जा रही है, ना उसका हमें आदि पता है ना हमें उसका अंत पता है। माइंडफुलनेस क्या करता है, माइंडफुलनेस बहुत ही सरल तरीके से हमें अवेयर करता है हमारे सबसे पहले जो हो रहा है उसके प्रति, मेरे मन के प्रति, ठीक है। माइंडफुलनेस जो है एक्चुअली में इट्स पार्ट ऑफ, अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म जो है वहां से ये इसका मेन पार्ट है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो है हियर एंड नाउ का एक कंसेप्ट समझाया। तो उन्होंने ये समझाया था कि ना हमें ज्यादा पास्ट में जाना है, ना हमें ज्यादा फ्यूचर में जाना है, पहले आपको अपने प्रति, अभी प्रेजेंट जो रियलिटी है उसके प्रति अवेयर होना है। और परमात्मा ने भी हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि हम आराम से माइंडफुलनेस जो है वो अपने सांस के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे सांस है वो हियर एंड नाउ में है, जो पहले सांस चली गई वो चली गई, जो आने वाली है उसका हमें पता नहीं है। तो अभी सांस जो है वो हमको बार बार माइंडफुल होने का एहसास कराती है कि मैं हूँ, देखो मैं हूँ, देखो मैं हूँ, बस इतना ही। तो मैं हूँ यही, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ ऐसी कोई उसमें कोई बात नहीं होती, ये है माइंडफुल होना। तो ये सांस के द्वारा जो है विपश्यना में भी आना पाना क्रिया करवाई जाती है, उसमें आपको बार बार जो है आपका मन जो है सांस से जोड़ा जाता है, ताकि आप कंटिन्यूअस उससे जो है उसको ऑब्जर्व करते रहे बिना किसी जजमेंट के, ठीक है। जैसे हम सांस को कभी जज नहीं करते, ये अच्छी है कि बुरी, बस ये है, ऐसे ही हम माइंडफुलनेस में जो है माइंडफुलनेस पेरेंटिंग को जब हम जोड़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम कुछ जज नहीं करते कि वो जो बच्चा है वो पहले से ही ऐसा है, नहीं, हम माइंडफुल हो जाते कि अभी इस सिचुएशन में ये सब चीजें हो रही है, आज मेरी मनस्थिति ये है, आज बच्चा ये सिचुएशन इस मनस्थिति में लेके आया है, और आज ये सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें मेरे रिसोर्सेज ये है, मेरी तरीका ये है, उसका तरीका ये है, और अब मैं ये रिएक्ट कर रहा हूँ, इसमें और क्या हो सकता था, मतलब मैंने ऐसे रिएक्ट किया, बस पहले ये मैंने ऐसा रिएक्ट किया, मुझे आज गुस्सा आया,
ये हो गया टू बी माइंडफुल कि मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मेरे जो है मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे पैर हिल रहे हैं, मेरे को हल्के पसीने आ रहे हैं, पेल्पिटेशन बढ़ गई है, एंग्जाइटी बढ़ गई है, और मुझे लग रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या, ये सब मैं देख पा रही हूँ कि मैं एज अ पेरेंट कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, या फिर एज अ पेरेंट मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत ओवरवेल्ड हो रही हूँ, और मैं बहुत ज्यादा जो है ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्व की मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, और इस तरीके से जो है ये भी एक अवेयरनेस हो गई जो हम अवेयर हो रहे हैं। अब क्या होता है कि माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि वी बिकम अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, हम उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हम जो है कभी भी जो है ये उसका जो आउटकम है या जो उसका प्रीवियस एंटेसिडेंट है उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते, हम ये सोचते कि हाँ ये हुआ, और धीरे धीरे उससे क्या आती है, उससे माइंडफुल होने से हमें ये पता चलता है कि अच्छा इस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, अच्छा इस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, और ये बच्चे ने इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट किया, बट देखो यही बात ये इस सिचुएशन में ऐसे बोलता है, देखो इस सिचुएशन में ऐसे बोलता है, और धीरे धीरे आपको जो है वो उस पर्टिकुलर बात की गहराई समझ में आने लग जाती है, और जब गहराई समझ में आने लग जाती है तो आप जो गिल्ट की जो हमारी कई बार, कुछ मैं ये नहीं बोलती सब लोग, पर कई बार हम अननेसेसरी गिल्ट में चले जाते हैं, अननेसेसरी और भी जो है इमोशंस में चले जाते हैं, और वो रिएक्शन जो है वो निगेटिव साइकिल को हम इजिली ब्रेक कर पाते हैं अगर हम माइंडफुल पेरेंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि मुझे अभी मान लो कि किसी बात पे मैंने बच्चे को जो है रिएक्शन किया, नेगेटिव रिएक्शन किया, और बच्चा मुझे सामने से बोल रहा है कि, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी अवेयर हैं, काफी अच्छे से बात कर रहे, दे आर वेरी कम्युनिकेटिव, तो वो बोलते हैं आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ये बहुत गलत था, आप बहुत गुस्से में थी, ठीक है। तो अभी अगर आप माइंडफुल हैं तो आप ये देखेंगे कि एक्चुअली बात ये थी कि बच्चा छोटी सी बात ही बोला था कि मुझे ये चीज खानी है, और आप सोच रहे थे कि उसके लंच का टाइम है, और वो ये बार बार बोलता रहता है, आप एज अ मदर बहुत ही हाईली जो है वो अवेयर है उसकी डाइट के प्रति, और आपको लग रहा है बार बार ये खा लेगा फिर ये खा नहीं पाएगा ये, और आपके बीच अंदर ही अंदर वो साइकिल, आपके थॉट्स चल रहे, बच्चे को नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है, वो तो अपना एक नॉर्मल जो रूटीन है वो बता रहे कि मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। आप अचानक से रिएक्ट करते करते बहुत तेज, और बच्चे को अचानक समझ नहीं आते कि यार ये अचानक से क्या हो गया, मम्मा जब भी बात आती है इसको खाने की तभी ऐसे रिएक्ट कर रही, एक्चुअली में माइंडफुलनेस के हिसाब से आप उस बात पे रिएक्ट नहीं कर रही थी, आप बात पे रिएक्ट कर रहे थे अपने एक एक्सपेक्टेशन के प्रति जो आपने बच्चे के लिए बना लिया कि मेरे बच्चे को हेल्दी खाना मिलना चाहिए, और ये अगर ये खाना इस टाइम खा लेगा किसी और बच्चे के साथ मिलकर, ये वेफर या अनहेल्दी फूड खा लेगा तो इसका ये खाना स्किप हो जाएगा, और इसे फिर इसकी हेल्थ जो है खराब हो जाएगी, फिर जो है शाम को उसका खाना का रूटीन बिगड़ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल हमारे माइंड में चल रहा था, चूंकि मैं अवेयर ही नहीं थी कि ये साइकिल चल रहा था, इसलिए बस मैंने बोला चुपचाप ये खाना खाओ, बैठो चुपचाप, बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है, और फिर वो बच्चा जो है वो खाना खा लेता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, और अपना फिर दूसरा हमारा एक्टिविटी चलता रहता है, फिर तीसरा चलता रहता है, फिर धीरे धीरे बच्चा जो है उसको समझ आता है कि यार जब भी मैं अनहेल्दी फूड खाता हूँ ना मम्मा डांटती है, एक्चुअली बात अनहेल्दी या हेल्दी फूड की नहीं थी, यहाँ पे बात चल रही थी रेखा आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करो अपने एंड से। हाँ ठीक है ठीक है, तो हाँ तो मैं ये बता रही थी कि इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे को भी हमारे लिए रॉन्ग परसेप्शंस डेवलप होते हैं कि जो मम्मा है वो इस बात पे डांट रही थी, जबकि एक्चुअली आप चाहते थे कि वो हेल्दी ईटिंग हैबिट सीखे, और वो जो है वो उसका परसेप्शन कुछ और बन जाता है कि जब भी मैं ऐसी बात करता हूँ जो है यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन आती है। तो एक्चुअली जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं बच्चे को, वो हम मैसेज ही नहीं कन्वे कर पा रहे, और वो हमारे लिए दृष्टिकोण बनाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो उस चीज के लिए दृष्टिकोण बनाता है जिसके लिए एक्चुअली आप कोशिश ही नहीं कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे। सॉरी भैया मैंने गलती से म्यूट कर दिया था, और शायद मैं अनम्यूट नहीं कर सकती अपने आप को, आपकी शायद सेटिंग ऐसी है कुछ, सॉरी। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि क्या होता है कि इसमें बस एक सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हो जाता है कि जिस चीज के लिए
हम लोग चाहते नहीं कि वो दृष्टिकोण बने, अननेसेसरी वो फ्रेम होता है हमारा भी और उनका भी, और उसमें एक ही चीज जो है वो गड़बड़ हो जाती है कि धीरे धीरे लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स करता चला जाता है हमारी। और ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम खुद ही समझ नहीं पाते कि कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आ गई है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो टीनेज में जाके कई बार क्या होता है कि टीनेजर्स के साथ कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बात नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं, वो हमारी बात ही नहीं सुन, वो हमारी बात ही नहीं समझ रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल, टीनेजर बोलते हैं हमको नहीं समझ आ रहा ये क्या बोल रहे। तो इसमें जो है माइंडफुलनेस भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे माइंडफुली बच्चों से जो है एक्चुअली जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो हम कन्वे कर पाए, और एक्चुअली में उनको वो भी कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप माइंडफुली बात करते हैं और आप अक्नोलेज करते हैं कि ऐसा है, तो धीरे धीरे बच्चा जो है उस चीज को सीख जाता है, वो भी माइंडफुल होने का जो है माइंडफुल उसमें होने के जो ट्रेट्स है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। क्योंकि ऐसी रिसर्च स्टडीज है जो ये बताती है कि आप माइंडफुल हो सकते हैं, आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करके आप में ये जो है ये स्किल को आप ला सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो फायदा है माइंडफुलनेस का वो यही है कि इस नेगेटिव पूरी साइकिल को तोड़ना, ये माइंडफुलनेस पेरेंटिंग की बात है। उसके बाद में जो है मैं माइंडफुलनेस की छोटी सी आपको प्रैक्टिस भी थोड़ा सा डेमो भी दूंगी। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको साइकोलॉजी में बताना चाहती हूँ जो माइंडफुलनेस से जुड़ी हुई है। पहला ये है गिल्ट का एक साइकिल होता है जो कि अक्सर काफी लोगों में होता है, काफी पेरेंट्स में भी होता है, क्योंकि दे आर मतलब बच्चा जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दे आर मतलब नॉट बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली एट एवरी डायमेंशन एवरी पेरेंट इज कनेक्टेड विद द चाइल्ड। होता क्या है कि उसमें कई बार जब हम ऐसा रिएक्ट कर देते हैं या ऐसी कोई रिएक्शन कर देते हैं जो हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे कभी उसके साथ, और वो अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है, तो एक गिल्ट का साइकिल चालू हो जाता है। और वो गिल्ट का साइकिल जो है वो कई बार इतना डीपन हो जाता है किसी किसी पेरेंट में कि वो उनके और बच्चे के रिलेशन में या हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में भी कई बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और उससे क्या होता है कि उससे जो है हमें ये तो समझ नहीं आता कि इसका रूट कॉज क्या है, बट उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो एक्चुअली में जो हमारा पर्पस होता है एज ए पेरेंट वो पर्पस धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है। और वो और गिल्ट से एक और चीज होती है जो कि काफी जो है सोच विचार और काफी मेरे ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने जानी है और हमारे साइकोलॉजी में भी है कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग भी कई बार जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसमें कि पेरेंट जब इनकैपेबल या जो है पेरेंट जो है कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, काफी स्टर्न वर्ड काफी हार्श वर्ड जो है अनकॉन्शियसली जाने अनजाने ये उनको बताने के लिए यूज करते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे और मैं तुमसे बड़ा हूँ बाय द वे, ठीक है, और मेरा तुमसे बहुत ऊंची पोजीशन है, ठीक है, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम ज्यादा है ना, ऐसे बात मत किया करो। ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है जहाँ पे हम सामने वाले बच्चे को चॉइस ही नहीं देते माइंडफुलनेस के लिए कि आप और क्या क्या चॉइसेस हो सकती है, जैसे कि इसका जैसे जो है सॉल्यूशंस भी है इसके काफी। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग पहले बहुत ज्यादा होती थी, पहले के जो पेरेंट्स होते थे वो कोई चॉइस नहीं देते थे, वो ऐसे बोलते थे बस ये कोर्स में एडमिशन ले लो, जाओ कॉलेज है मैंने मेरे फ्रेंड से बात कर लिया है उसमें जाके एडमिशन ले लेना। शुरू शुरू में बहुत पहले ऐसी पेरेंटिंग जो है वो की जाती थी, बट बाद में धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि हमें चॉइसेस दी जानी चाहिए और जो सामने वाला बच्चा है वो बच्चा उम्र से बच्चा है बट दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट चॉइसेस, और जितना हम उनकी चॉइस को जो है स्वीकृत करेंगे और जितनी ज्यादा चॉइसेस क्रिएट करेंगे उतने ही बच्चे रिसोर्सफुल बनते हैं और उतने ही धीरे धीरे रिसोर्सफुल बन के वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हैं, जो हर पेरेंट का सपना होता है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में उल्टा भी क्या हो जाता है, दे बिकम वेरी डिपेंडेंट। अभी शुरू में तो हम उनको बता रहे हैं कि इधर ऐसे बैठो ऐसे मत बैठो, ये ड्रेस ऐसे पहनो ऐसे मत पहनो, शू ऐसे कैसे पहना है तुमने, ये ऐसे कैसे किया है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि या तो बच्चे को ये लगने लग जाते हैं कि यार मुझे सारा गाइडेंस की जरूरत है, सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसकी सेल्फ स्टीम लोअर डाउन होने लग जाती है, वो आप पे डिपेंडेंट हो जाता है। एक तरफ हम उसको ये कोशिश करते हैं कि हम उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, जबकि एक्चुअली इंडिपेंडेंट बनाने के उसके लिए हम अथॉरिटेटिव बन जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम उसको बार बार सपोर्ट करने लग जाते हैं, ओवर प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं, उसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो जाता है। फिर हम बोलते हैं यार मेरा बच्चा तो मेरे पे पूरा डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्चुअली हम उस साइकिल जो हमारी साइकिल थी उस साइकिल को हम समझ ही नहीं पाए कि उस साइकिल के चक्कर में हमने उसको डिपेंडेंट बनाया, जबकि हमारा पूरा पर्पस एज ए पेरेंट जो है बड़ा ही पायस था और वो ये पर्पस था कि हम अपने बच्चे को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनाए, और उसके चक्कर में
उसके चक्कर में क्या होता है कि बच्चा डिपेंडेंट होता चला जाता है और फिर हम फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं कि आज हमारा बच्चा डिपेंडेंट है, आज हमारा बच्चा डिपेंडेंट है, देखो उसका बच्चा तो कितना इंडिपेंडेंट है, वो बच्चा तो कितना इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ऐसा क्या उन्होंने मैजिक किया है पेरेंटिंग में कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है। तो इसका भी ये जो है इसका भी एक बहुत छोटा सा साइंस और बहुत ईजी साइंस है, उसमें यही है कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग का पर्पज तो होता है बच्चों को प्रोटेक्शन देना और बच्चों को गाइडलाइंस देना, बट उसमें बस एक ही कमी रह जाती है, वो है माइंडलेस हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं उस टाइम, या हमारी जो फिलोसॉफी है उसमें शायद ये गलती ये रह जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि जो सामने वाला बच्चा है वो एक इंडिपेंडेंट सोल है और वो एक इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ पैदा हुआ है, वो लिबरेट करना हम फैसिलिटेट, वी आर नॉट पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है केवल फैसिलिटेटर्स, वी आर फैसिलिटेटर्स फॉर आर चाइल्ड, और उस फैसिलिटेशन की प्रोसेस में सबसे पहले कोई भी गाइडेंस देने के पहले, गाइडेंस बिल्कुल पेरेंट्स को देना चाहिए, गाइडेंस देने के पहले पहले हमें पूछना चाहिए कि अच्छा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितनी चॉइसेस हो सकती है इसमें, अगर अच्छा ठीक है आप ये अनहेल्दी फूड है, अब आप मुझे बताओ कि ये खाओगे और ये ऐसा इस तरीके से आपने उसको चार ऑप्शन दिए तो वो आपको एक ऑप्शन देगा, बट आज आप चार ऑप्शन दोगे ना, आप 15 दिन बाद देखना कि वो चार ऑप्शन उसके चार ऑप्शन बन जाएंगे, फिर आप 5 ऑप्शन दो फिर 5 ऑप्शन उसके 5 ऑप्शन बन जाएंगे, धीरे धीरे वो इतना रिसोर्सफुल होता चला जाएगा, इतना रिसोर्सफुल होता चला जाएगा कि वो खुद डिसीजन लेना चालू कर देगा कि उसको कौन सा फूड खाना चाहिए कि कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे डिसिप्लिन का रूल आता है, जैसे कि कुछ रूल होते हैं जो हम बच्चों को माइंडफुली बता सकते हैं कि इस घर में ये रूल है, इस घर में ये रूल है, बट उसमें ये माइंडफुल होना कि डिफ्रेंसिएशन करना कि भाई इस रूल के लिए ही मैं आपको जो है स्टर्न वर्ड में बोला जाएगा, या फिर इस रूल के लिए ये चीज मैं विड्रॉ कर लूंगी या विड्रॉ कर लूंगा, उसके अलावा और किसी चीज से मुझे आपके व्यवहार से कोई परेशानी नहीं है, आपका व्यवहार बहुत बढ़िया व्यवहार है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ये माइंडफुलनेस की बात होती है, इससे बच्चे जो है ना धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं, उनको बिल्कुल समझ में आने लग जाता है कि मेरे घर में या मेरे फादर या मदर केवल इस बात के लिए जो है उनको थोड़ी जो है उनको लगता है गलत है, और वो धीरे धीरे उसको फॉलो नहीं करते, फिर धीरे धीरे आप चॉइसेस देते हैं तो उस चॉइसेस से उनको धीरे धीरे समझ में आने लग जाते हैं करने क्रेडिट, फिर धीरे धीरे वो आपको भी चॉइस देना चालू कर देंगे, और जैसे वो आपको चॉइस देना चालू कर देंगे आपको ये समझ आएगा कि आपके भी वो गुरु बन गए, आपके भी लाइफ में वो गाइडेंस देने लग गए, और बहुत जल्दी बच्चों में इंडिपेंडेंस आने लग जाती है। ये जो प्रिंसिपल है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये कहा जाता है कि आप जितनी ज्यादा चॉइसेस देते हैं, आपको लाइफ में केवल वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, जैसे आप अगर मान लो फेल हो गए तो फिर आगे क्या, आगे जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, आपने क्या सारी चॉइसेस देखी थी, तो फिर हम सारी चॉइसेस ढूंढेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइंडफुल पेरेंटिंग में हम छोटी छोटी हर एक छोटी बात से हम चॉइस देना चालू कर देते हैं, अच्छा ठीक है आपके पास ये 10 तरीके के फूड है, अब आप इस 10 तरीके के फूड में ये इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, और ये है, और इसको खाने इस तरीके से हम उसको चॉइसेस देते रहते हैं, पढ़ाई में भी हम उसको चॉइस देते रहते हैं, और इस तरीके से काफी चॉइसेस क्रिएट करने के बाद बच्चे को धीरे 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 धीरे, और चॉइसेस हम पहले उससे पूछते भी हैं, और कई बार आप देखेंगे कि बच्चे खुद इतनी अच्छी चॉइसेस सामने से लेके आते हैं कि लगते हैं कि वो माई गॉड दे आर ऑलरेडी अवेयर, तो धीरे धीरे हमारा जो फेथ है वो उनमें डेवलप होना चालू हो जाता है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में उल्टा हो जाता है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में हम खुद ही उनपे जो है उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, उनको ओवर जो है वो गाइड के चक्कर में हम उनको डिपेंडेंट बना देते हैं, और हमें ये समझ नहीं आ पाता कि आखिर वो मेरा बच्चा इतना डिपेंडेंट कैसे हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो पा रहा। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, जिसमें कि हम माइंडफुल बने कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है हम किस तरीके की उसको चॉइसेस दे रहे हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में हम किस तरीके का जो है उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं। अब मान लो उसमें एक और बात आती है जो कि इमोशनल लेवल पे है, जो कि काफी मैं खुद भी यूज करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एज अ मदर एज अ फादर कई आप यंग एज में होते हैं जनरली, जब पेरेंटिंग जो है जब ज्यादा मेन स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि उसके बाद तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उस टाइम क्या है इमोशनल कई बार हमें इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है पेरेंटिंग में, उसमें जैसे मान लो कि अननेसेसरी हम बहुत परेशान है स्ट्रेस में हैं और हमने बच्चों को डांट दिया, या हमने बच्चों से गलत तरीके से बात की, या उसने हमसे गलत तरीके से बात की, या जनरली क्या होता है कि जब बच्चा छोटा है तो हम ही ज्यादा हमारी रिएक्शन उन पर इम्पोज होती है, या हमारे घर का जो एनवायरमेंट है वो उस पर इम्पोज होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की आपस की कोई बात हो गई और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग या इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उस टाइम हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे कि हम उसको तब बात करें जब वो सो जाए, या फिर हम तब बात करें जब वो दादा दादी के रूम में हो, या दादा दादी नहीं है तो किसी और रूम में टीवी देख रहा हो तो हम दूसरे कमरे में बात करें, वो इतनी इंटेंस हो गई कि बच्चे के सामने ही वो बात हो गई,
अब वो बात उस टाइम तो हो गई, उसके बाद जो है बहुत गिल्ट फीलिंग हो गई कि अब क्या करें यार, ये तो इतने छोटे बच्चे के सामने हमने बात कर ली, इसने तो ये चीज देख ली। और फिर बाद में जो है कुछ सेंसिटिव जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत हाईली सेंसिटिव जो पेरेंट्स होते हैं, वो उस गिल्ट मेकिंग प्रोसेस में फिर से चले जाते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी माइंडफुलनेस जो है, माइंडफुल पेरेंटिंग, वो बहुत हमें काम आ सकती है। मैं ये तो नहीं कहती कि जो है हमारी पेरेंटिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि हमें बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। रादर मैं ऐसे थेरेपिस्ट में जो है मैं मतलब हूँ, इस तरीके की थेरेपिस्ट हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि जो है हम ऐसे हैं, और हम अपने बच्चों को अक्नोलेज करें कि हाँ मम्मा जो है कभी कभी मम्मा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है ज्यादा, और आज मम्मा और पापा की ऐसी सी बात हो गई, हमें बहुत खराब लगा कि आप वहाँ पे थे और आपको बहुत खराब लगा होगा, बट अब जो है हम दोनों के बीच में काफी ठीक हो गया और आगे से हम ध्यान रखेंगे इस बात का। आपको क्या लगता है, आप ठीक हैं, आप जो है आपको क्या लग रहा था उस समय? तो फिर बच्चा जो है वो अपनी इमोशंस को अक्नोलेज करेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे मैं डर गया या जो भी है, या फिर वो जो भी बोल सकते हैं कि आप क्यों ऐसी बात करते हो, आगे से आप मेरे को बोल देना। मतलब कई बार छोटे बच्चे होते 5-6 साल के, वो तो खुद ही आपको बताएंगे कि भाई इस तरीके से ये हुआ, आगे से ये सब मत करो ऐसा करके। तो बट उनके अंदर काफी इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो माइंडफुल पेरेंटिंग में क्या होता है कि अक्नोलेज कर सकते हैं हम, अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो उनको अक्नोलेज करना, उसके लिए अपने आप को मतलब गिल्ट के उस साइकिल से बचा के बजाय की उसको अक्नोलेज करना, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है, उस गिल्ट प्रोसेस भी वहीं पे रुक जाती है, और बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि हाँ मम्मा जो है मतलब मम्मा और पापा के बीच ऐसा हो गया था, और वो भी शेयर कर देता है, तो वो चीज काफी हद तक जो है वो ठीक हो भी जाती है। तो ये धीरे धीरे घर में ऐसा माहौल बनाने से क्या होता है कि बच्चे जो है वो काफी पॉजिटिव महसूस करना चालू कर देते हैं, आप भी काफी पॉजिटिव महसूस करना चालू करेंगे, और आगे अगर बच्चे के साथ ऐसा होगा तो वो भी आपको अक्नोलेज करेगा जब वो बड़ा होगा तब, कि अरे मम्मी आज देखो ना आपसे मेरी इतनी लड़ाई होगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ठीक हो ना, आप हर्ट तो नहीं हुए ना, इस तरीके से। तो ये धीरे धीरे ऐसी जो बातचीत है उसकी जो रूट है वो हम बचपन से डाल सकते हैं कि बार बार अक्नोलेज करना। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मान लो आप बच्चे की कोई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं आप खेलो मेरे साथ या ऐसा करो या आप ऐसा क्यों फील कर रहे, तो शुरू में इसको बताना कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, देखो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे पता है, बट आज मेरा थोड़ा मन ठीक नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ऐसा रहूं, आप इसको ऐसा मत सोचना, इस तरीके से फिर हम उसको अक्नोलेज करते हैं, बच्चों को समझ आता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मम्मा ऐसा भी फील कर सकती है, मम्मा को खराब लग रहा है, मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है, या पापा को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है अच्छा ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जो है बच्चा भी धीरे धीरे अपनी इमोशंस को अक्नोलेज करना चालू करता है, और इमोशनल रेगुलेशन जो है उसमें अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो ये इमोशनल रेगुलेशन जो है जिन बच्चों में होता है, स्टडीज ये बताती हैं कि उन बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि दे बिकम कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, बिकॉज अक्नोलेजमेंट ऑफ इमोशंस वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग को कई बार अपनी लाइफ में समझ नहीं आता कि हमारे अंदर अभी एंग्जायटी है, मैं परेशान हूँ, तो वो अक्नोलेजमेंट अगर हम करेंगे और सामने वाले के साथ करेंगे तो बहुत धीरे धीरे जो है वो हम उसको एक ऑनेस्ट और एक जो है ऑथेंटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये है इमोशनल रेगुलेशन। फिर दूसरा आता है सेल्फ रेगुलेशन, वो भी माइंडफुल का ही पार्ट है, माइंडफुलनेस का। उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जो कमियां हैं, अपनी कमियां हैं उसको अक्नोलेज करना और उस पर धीरे धीरे काम करना, टू बी माइंडफुल अबाउट आर वीकनेस। बट वीकनेस होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे खराब लग रहा है कि मेरे अंदर ये वीकनेस, और उसमें देखो कितना अच्छा है यार, वो तो कितनी शांत पेरेंट है और मैं कितनी अशांत पेरेंट हूँ, मैं हर बात पे कितनी एंशियस हो जाती हूँ, वो तो बिल्कुल एंशियस नहीं हो पाती है, या तो वो तो एंशियस ही नहीं हो पाता है, वो कितना कूल है और मैं तो कूल ही नहीं हूँ। इस तरीके से काफी बार हम अपने फ्रेंड्स को या अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखते, तो कई बार हमारी पर्सनैलिटी जो है थोड़ी सी एंशियस हो सकती है, थोड़ी सी इमोशनल हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी होती है, जो साइकोलॉजी में बिल्कुल प्रूवन एक कंसेप्ट है, और मैं भी उन लोगों में से ही आती हूँ कि जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं कि अपनी कमियों को, जो कि अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और उस वीकनेसेस पे काम करना। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हम अवेयर होते हैं कि यार मेरा जो बच्चा है ना उसमें ये वीकनेस नहीं आनी चाहिए, जो जैसी मैं हूँ। कई बार ऐसे काफी पेरेंट्स है तो मुझे ऐसा बोलते हैं कि यार रेखा मैं ये चाहती हूँ कि यार मेरे बच्चा ऐसा ना बने जैसी मैं, ठीक है। वो मेरे को कई बार ऐसे जो है कई पेरेंट जो है वो बात करते हैं, मेरे कलीग्स जो है वो बात करते हैं, वो ऐसे कई बार बोलते हैं। तो उसमें मैं सेल्फ रेगुलेशन की हमेशा ये बात करती हूँ, मैं खुद पे भी आजमाती हूँ कि हम क्या करें कि हम जो श्री रामचंद्र आचार्य हैं गुरुदेव हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था मैं क्या हूँ, और उस एक छोटी सी बुक है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, सच साइंटिफिक बुक एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है, लास्ट के पेज में भी उन्होंने जो है इस बारे में लिखा है कि हम एक बुराई को छोड़ें या तो और एक अच्छाई को ग्रहण करें, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करते रहे हर दिन, हर एक नया दिन, या तो हर महीने में, या अपने बर्थडे पे, या अपनी एनिवर्सरीज पे, या फिर रोज अगर, या फिर हमें लगता है कि कोई ऐसा बिहेवियर है जो बार बार मुझे भी परेशान कर रहा है, और मैं क्या हूँ, हु एम आई,
Who Am I by Shri Ram Sharma Acharya. It's a very simple and very small book. तो उस बुक तो उसमें क्या कर सकते हैं कि सॉरी एक्चुअली मैं मिस कर गई. हाँ, तो उसमें ये होता है कि हम लोग एक अपनी जो वीकनेस है उस पर हम काम करते हैं. मैंने जो है मैं पेरेंटिंग के पहले बहुत बुक्स पढ़ती थी. जब मैं पेरेंट बनने वाली थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं साइकोलॉजी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, चलो सारी बुक्स पढ़ देते हैं. तो मैं जेन पेरेंटिंग पढ़ती रहती थी और ये सब पेरेंटिंग पढ़ती रहती थी, बट काफी मुझे चीजें समझ आई. और सबसे पहले जो चीज समझ आई जो मैंने आपसे शेयर की वो यही है कि जैसे हम हैं जो हम हैं वो अच्छे हैं, और उसमें ही हमें कंटिन्यूअस अपने आप को निर्माण करना है, जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्माण, सेल्फ डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं. यही जो है जितने भी स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं, जो अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो हमेशा आपको यही बोलेंगे. वो कभी आपको ये रियलाइज नहीं करेंगे कि अरे कैसे हो तुम लोग, नहीं. वो बोलेंगे कोई बात नहीं बच्चा, आप बस इंप्रूवमेंट करते रहो अपने अंदर. तो यही हमें अपने साथ भी करना है. हमें अपने आप को सेल्फ लव पहले करना है कि ठीक है मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जो हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और एक आत्मा मेरे घर पे आई है और अब मुझे अपना निर्माण करते हुए अपने बच्चे का भी निर्माण करने में योगदान देना है. आप उसका निर्माण नहीं कर रहे, वो अपने आप अपना निर्माण कर रहे हैं. उसकी अपनी एक पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर है, उसकी जीन जेनेटिक स्ट्रक्चर है जो ऑब्वियसली आपसे और काफी कॉम्बिनेशन से आई है. जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो मदर के यहाँ से भी आती है, फादर के यहाँ से भी आती है, और एक कॉम्बिनेशन होता है काफी चीजों का. तो हमें उस कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है एनवायरमेंट ऐसा बनाना है. उसके लिए सबसे पहले एनवायरमेंट हमारे मन का होता है, जो हम बाहर अपने बच्चों को रिफ्लेक्ट करते हैं. उसमें सेल्फ रेगुलेशन एक बात आती है कि सेल्फ डेवलपमेंट हम करें, अक्नोलेज करना अपनी वीकनेसेस को कि हाँ मैं ज्यादा एंग्शियस हूँ. तो जैसे मान लो कि जो है हम बहुत जल्दी टिफिन पैक कर रहे हैं और बच्चे जल्दी ना स्कूल का टाइम हो गया जल्दी ना, फिर बच्चे को साथ में एक्नोलेज करना देखो मैं है ना थोड़ा एंग्शियस हूँ, तुम थोड़ा रिलैक्स रहना, ये मेरे अंदर हो रहा है बच्चा, तुम एकदम रिलैक्स रहो. आई अंडरस्टैंड दिस इज हैपनिंग इन, तो बच्चे को धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये मम्मी की आदत है, कोई बात नहीं. बट आपने एक्नोलेज किया तो आप ये बात समझ में आ गई कि ये उनमें धीरे धीरे ट्रांसफर नहीं होगा, या बच्चा ये अवेयर हो जाएगा कि भाई ये चीज जो है ये मेरे अंदर ये कितना नुकसान कर सकती है, ये मुझे डेवलप नहीं करनी है. तो ये मॉडलिंग जो है होगी, थोड़ी बहुत मॉडलिंग तो होगी बच्चे में, बट वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगी. या एक्नोलेज आपने कर दिया तो बच्चा उसके प्रति उसी बचपन में ही अवेयर हो जाएगा कि ये जो चीज है ये थोड़ी इस तरीके से, मतलब ये चीज ऐसी है, ये चीज है एक जिसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये मैं इसका स्लेव नहीं हूँ, ठीक है. और फिर धीरे धीरे हम जब धीरे धीरे उसको कम करते हैं तो सामने जो बच्चा है हमारा उस पर भी धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता है. जैसे कि मान लो हमने पहले उस बात पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे और हमने माइंडफुल होकर देखा कि जब भी ये बात आती ना मैं एकदम डिस्टर्ब हो जाती, तो फिर जैसे उसकी काफी स्ट्रेटेजीज ढूंढना. अब वो स्ट्रेटेजीज क्या होंगी वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको ही ढूंढनी है, आपके पार्टनर को और आप दोनों को मिलकर ढूंढनी है, या आपके घर में चार लोग हैं उनको मिलकर ढूंढनी है कि इस बात में हम ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट करेंगे, देखें ये करके देखते कि इस पे क्या रिएक्शन आता है. और इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी जो है स्ट्रेटजीज जो है आप रिसोर्सफुल होते चले जाएंगे, और जितना आप रिसोर्सफुल होते चले जाएंगे आपका बच्चा भी उतना ही रिसोर्सफुल होता चला जाएगा, और जितना वो रिसोर्सफुल होता चला जाएगा उतना ही मेंटली और फिजिकली वो हेल्दी होता चला जाएगा. यही चीजें हैं. तो मैं जो है हमेशा पेरेंट्स को भी हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो आप जो है उनको कोई प्रॉपर्टी या कोई जो ये हमारे बाहरी जो एसेट्स हैं ये दे या ना दे ये तो हमारा सब्जेक्टिव मैटर होता है. बट मैं ये कहती हूँ कि हम एक बच्चे को अगर मानसिक रूप से आत्मिक रूप से मैं जिसको बोलूंगी अगर हम उसको इंडिपेंडेंट बना दे तो हमने कुछ उससे ऐसी चीज दे दी ना कि ये सब चीजें वो स्वयं ही अपने आप प्राप्त कर लेगा, और अगर नहीं भी मिली ना उसको तो वो खुश रहेगा, ठीक है. तो हमें अगर उसको कुछ दे सकते तो हम उसको सबसे पहले इस बात का नॉलेज दे सकते कि आप जो है वो आप सबसे वैल्यूएबल हैं, आप बहुत यूनिक हैं, और हम और आप भी जो है आप उतनी ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है जितनी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल मैं हूँ, जितने इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल मेरे पार्टनर हैं, और हम तीनों मिलके ही इस जर्नी को हमने तय करना है. ना इसमें आप बहुत छोटे हो ना इसमें हम बहुत बड़े हैं. हाँ कभी कभी गलती मेरे से होती है, कभी कभी गलती आपसे होती है. इस तरीके से एक ऐसा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है कि बच्चे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंप्रूव होता चला जाता है और वो बहुत इंडिपेंडेंट होता चला जाता है. तो एक्चुअली में इसमें जो है ना अध्यात्म बहुत सहायता करता है. काफी लोग जो है वो आध्यात्मिक पेरेंटिंग के कंसेप्ट को जो है वो ऐसा बोलते हैं कि अरे इसमें क्या है, जबकि मैं बोलूँ आध्यात्मिक पेरेंटिंग बहुत आसान चीज है और इससे हमें बहुत जल्दी जो है अंडरस्टैंडिंग मिलती है. सबसे पहला जो रूल होता है आध्यात्मिक पेरेंटिंग का वो यही होता है कि हम एक बच्चे को उसका शारीरिक एज नहीं माने, वो तो उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया है. हम उसको जो है आत्मा के रूप में हमेशा माने, हमें माने कि वो एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, वो एक आत्मा है, और हम तीनों आत्माएं हैं. जब उसको कभी कभी आप अपने मन में सोचेंगे ना कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा बच्चा भी एक आत्मा है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग परिवर्तन हो रहा है. जब आप उसको देखेंगे ना तो उसपे भी एक अलग परिवर्तन होता है.
वो जो परिवर्तन है जो उस बच्चे में हो रहा है, वो परिवर्तन धीरे धीरे उसको अंतर्मुखी करता चला जाता है, वो परिवर्तन धीरे धीरे उसको जो है स्वयं के प्रति, जो उसका रियल स्वयं है ना, वो सेल्फ, वो डेवलपमेंट होता चला जाता है, और वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पेरेंटिंग में एप्रिसिएशन का भी इसीलिए बहुत महत्व माना जाता है कि आप एप्रिशिएट करें, अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट कई बार क्या करते हैं कि इसमें भी हम काफी गलती कर देते हैं कि हम जो है ओवर एप्रिसिएशन, मतलब एप्रिसिएशन हम किस बात की कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रति माइंडफुल होना, माइंडफुलनेस पेरेंटिंग का पार्ट है कि हम किस चीज के लिए जो है उसकी एप्रिसिएशन करें, ठीक है, कि हम किसी के सामने उसकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, या बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या बच्चे की चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या उसके वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हाँ, ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें मैं आपको ऐड करूंगी, तो ये चीजें जो है ये सब माइंडफुलनेस पेरेंटिंग की बात है। और आध्यात्मिक पेरेंटिंग जो है उसका, आप मान लो कि माइंडफुलनेस पेरेंटिंग आध्यात्मिक पेरेंटिंग का एक पार्ट है, और उस आध्यात्मिक पेरेंटिंग जो है वो हमें बस बहुत अच्छा एक जो है वो मार्ग दिखा देती है, और वो हमें यही मार्ग दिखा देती है कि आपको एक फैसिलिटेटर बनाया गया है, आप एक अच्छा फैसिलिटेशन का रोल आपको प्ले करना है, मुझे एक फैसिलिटेशन का रोल प्ले करना है, और उसमें कहीं भी फेल हो रही हूँ तो फिर जो है मैं वापिस उसको करने की कोशिश करूंगी, ये मुझे परमात्मा ने बहुत अच्छा मौका दिया है। जैसे हम कंपनी में क्या करते हैं, अप्रेजल के लिए, अगर आप वर्किंग है, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग है, तो अप्रेजल के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं, नहीं हमें अप्रेजल मिलना चाहिए, हमें अप्रेजल, इससे अच्छा अप्रेजल मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही कोशिश हमें पेरेंटिंग में भी करनी चाहिए कि हम किस तरीके से हमें बेस्ट अप्रेजल मिले, हमें बच्चे के रूप में, आज मैं इस साल में क्या ऐसा बढ़िया जो है अपने व्यवहार में एक चीज लेके आऊं कि मेरा बच्चा जो है उसमें वो चीज अपने आप स्वतः ही डेवलप हो जाएगी। आपको बच्चे में कुछ डेवलप नहीं करना, आपको स्वयं में डेवलप करना है, आप देखो अपने आप हो जाएगा। यही बड़ी अच्छी इसकी जो है वो राज है, जो हमें इसका जो सीक्रेट की है ना, वो यही समझना है। तो ये कुछ जो सूत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब माइंडफुलनेस पेरेंटिंग के इन अ वे पार्ट है। जब हम माइंडफुल होते हैं, मैं आपको फिर से कंक्लूड करती हूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब होता है टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन मी, इनसाइड मी, एंड इन एनवायरमेंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, हियर एंड नाउ, उस टाइम क्या हो रहा है, इसको समझना ही माइंडफुल पेरेंटिंग होती है। और उस माइंडफुल पेरेंटिंग में हम कोई जजमेंट नहीं करते, वो सही हुआ, वो गलत हुआ, बस वो हो गया, अब उसके आगे क्या, वो माइंडफुल पेरेंटिंग होती है। माइंडलेस पेरेंटिंग क्या होती है, रिएक्शन दे रहे हैं, क्यों रिएक्शन दी, वो रिएक्शन इसलिए दी क्योंकि आपको बुरा लगा इसलिए रिएक्शन दी, या सच में बच्चे ने गलत किया था इसलिए रिएक्शन दी, सच में वो बच्चे की गलती थी इसलिए रिएक्शन दी, या फिर इसलिए रिएक्शन दी क्योंकि मेरे मेरे सिद्धांतों के खिलाफ ये काम कैसे हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता था, और ऐसा तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था, या उस व्यक्ति को बुरा लग गया, ये खराब नहीं था, अगर ये घर के अंदर होता तो ये कोई खराब चीज नहीं थी, बट ये बाहर किया ना इसलिए बहुत खराब लगा, क्योंकि उस फ्रेंड ने मेरे लिए सोचा कि देखो इसका बच्चा, देखो यार कैसे बिहेव करते है, कैसे कर रहा है, उसकी वजह से मैंने उसको एक चांटा लगा दिया, या उसको डांट दिया, या कुछ भी कर दिया, ये माइंडलेस पेरेंटिंग है। तो मतलब ये पेरेंटिंग, ऐसी पेरेंटिंग करने से क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें काफी उलझने जो है वो पैदा हो जाती है, और वो उलझने उस बच्चे में ही नहीं हमारे अंदर भी पैदा होती है, और धीरे धीरे कई बार जो है हम जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये चीजें को बदलना एक सेकंड में ऐसे बदल जाएगी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मैं खुद भी हर रोज अपने ऊपर काम करती रहती हूँ, कई बार मैं फेल भी होती हूँ, कई बार सक्सेसफुल भी होती हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि इसके कुछ राज जो है वो यही है कि पहला तो आप हर दिन को एक नया दिन समझे, जैसे कि वो हुएमआई बुक में लिखा हुआ है कि आप हर दिन एक नया दिन है, और आपकी जो बच्चा है वो कोई फिक्स्ड पर्सनैलिटी नहीं है, उसको आपको ऐसा एनवायरमेंट बार बार देना है, अगर आप में कंटिन्यूअस वो चेंज देखेगा, आप में पॉजिटिव चेंज देखेगा, तो 100% क्या होगा कि वो जो पॉजिटिव चेंज है ना, वो पॉजिटिव चेंज आपके बच्चे में स्वतः ही आता चला जाएगा, हमें इतना अच्छा लगेगा धीरे धीरे कि इस तरीके से जो है ये बच्चा जो है अवेयर होता जा रहा है। जैसे जो मेरे डॉक्टर है, मैं आपको बताऊं रियल एग्जांपल कि मैं जो है उससे बात करती हूँ, कई बार उसको अक्नॉलेज करती हूँ कि अरे रितम आज तो मैं सच में बहुत डिस्टर्ब थी, आई एम सॉरी मैं टाइम ही नहीं दे पाई आपको, इतना खराब मुझे लग रहा है, तो वो फिर ऐसे बोलती कोई नहीं मुझे पता है आप पता नहीं क्या ये ऑनलाइन क्लास ले लेके इतना बोलती रहती हो आप, ठीक है एक काम करो अभी मेरे साथ डॉल डॉल खेल लो, तो फिर मैं बोलती हूँ अच्छा अच्छा ठीक है आई एम सॉरी मैं भी आपके साथ खेलती हूँ, फिर हम जैसे मान लो कि हम खेल रहे हैं दोनों ऐसे कर रहे, तो धीरे धीरे उसको समझ जाता है और वो एक अक्नॉलेजमेंट भी जाता है, मेरा भी कोई गिल्ट नहीं रहता, और वो भी धीरे धीरे उसको समझ जाता है कि मम्मा, तो वो धीरे धीरे बहुत एडजस्टिव होती जा रही है और मैं भी उसके साथ बहुत एडजस्टिव होती जा रही हूँ। कई बार वो मुझे आके बोलती है आज बहुत बोर हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है मम्मा मुझे इनसाइड, तो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन वर्ड क्या बात है, मतलब वो ऐसे काफी इमोशनल वर्ड यूज करती है जो मैं उसको बताती हूँ कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ,
तो वो धीरे धीरे अब उसको समझ आ रहा है कि हाँ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इमोशनल रेगुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है उसका। कभी भी ऐसे इमोशन स्टक फील नहीं करती कि अरे ये क्या हो रहा है अचानक से, वो बैठी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो शी इज कैपेबल इन एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस, भले ये बात अलग है कि वो हैंडल नहीं कर पाई, वो अलग बात है। उसमें आई कैन फैसिलिटेट हर इमोशंस, आई कैन हेल्प हर। और फिर मैं पूछती हूँ आर यू फीलिंग फाइन, अभी ठीक लग रहा है आपको, तो फिर बोले हाँ हाँ ओके लग रहा है अभी, बस ठीक है, फिर मुझे लगता है अच्छा ठीक है चलो। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको अक्नॉलेजमेंट हो गया है, और फिर तो ये चीजें धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट जब वो अडल्ट होगी तो उसको बहुत सारी ये चीजें काम आएगी, उसको एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छा काम आएगा, और उसको ये समझ आएगा कि हाउ ओल्ड इज योर डॉटर मैम, 6 years। तो इस तरीके से काम आएगा। मेरी डॉटर 6 years की है, बट मेरे नेफ्यू हैं, नीस हैं, तो उनके साथ भी मैंने काफी जो है प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं, और मेरे जो ब्रदर हैं उनसे भी हम काफी डिस्कस करते, तो इस तरीके से हम इसमें काफी चेंजेस करते रहते। तो हमने देखा कि बच्चों में 15 साल तक के बच्चों में बहुत जल्दी आपको जो है जो भी आप चेंज कर रहे हैं बहुत जल्दी उनके बिहेवियर में चेंज आता है, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चों का वो इंडिपेंडेंट होते चले जाते, तो चीजें थोड़ी सी क्या है कि फिर उनकी चॉइसेस बहुत जो है स्ट्रांगली क्रिएट हो जाती है। उसके आज हमारी पेरेंटिंग का रोल नहीं होता, उसके बाद एक ही रोल हमारा बचता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें उनकी चॉइसेस को पूछना और उसके बाद अपना एक सजेशन देना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, अब आप देख लीजिए। और इसमें एक चॉइस ये थी, क्योंकि वो 4 दे रहे हैं आप 4 और दे रहे हो, तो उसके पास 8 चॉइसेस हो गई। अब उसके बाद वो बच्चे का काम है उसमें चूज करना और उसका आउटकम देखना। अगर मान लो एक बार बच्चे को नेगेटिव भी आउटकम आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो अगली बार उसको समझ जाएगा कि मैंने 8 में से एक ही चॉइस यूज किए, अभी 7 बाकी है। बट हमने बच्चे को ऐसा बना दिया कि हमने उसको एक्चुअली बहुत रिच बच्चा बनाया, हमने उसको बहुत क्या बोलते हैं, मैं बोलती हूँ मिलेनियर बना दिया, इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस, इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ। और अगर मैं आपको बताऊँगा, हम अपने बच्चों को इनसाइड वर्ल्ड, अगर उनका विविड है, उनका रिच वर्ल्ड है इनसाइड अपने बच्चों का, तो वो बहुत सक्सेसफुल जो है पर्सनैलिटी बन के आते हैं। और जिसका इनसाइड जो वर्ल्ड है वो बहुत छोटा है, सिकुड़ा हुआ है, और बहुत ज्यादा फॉलोइंग रूप में अगर वो रहा है तो वो बच्चे जो है बहुत ज्यादा आउटर डिपेंडेंस होते हैं। तो जितने भी ड्रग डिपेंडेंस के जो केसेस हैं, अल्कोहल को जो केसेस हैं, अगर आप उनके केस स्टडीज देखें, अगर आप जो है उनसे डिटेल में भी बात करेंगे, तो काफी आप देखेंगे कि इनर वर्ल्ड में काफी डिस्टरबेंसेस होते हैं। इनर वर्ल्ड जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉपर नहीं हो पाता कई बार, और कई बार ये भी होता है कि आउटर क्योंकि हमें समझ आता है कि एक्चुअली अल्कोहल डिपेंडेंस कोई गलत या सही चीज नहीं है, और ये जो है ड्रग डिपेंडेंस भी कोई गलत या सही चीज नहीं है, बट ये एक प्रक्रिया, एक तरीका है हमको अपने आप को रिलैक्स करने का, फिर एक प्रक्रिया है रिलैक्स करने का। तो क्या होता है कि ये एक एक चॉइस है हमारी, एक व्यक्ति की चॉइस होती है कि मैं ये करूं इस टाइम, मुझे अभी सर में दर्द हो रहा है मैं इस टाइम चाय पी लूं, और एक व्यक्ति है उसको लग रहा है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है मैं थोड़ा सो जाऊं, एक को लग रहा है मुझे सर में दर्द हो रहा है मैं थोड़ा मेडिटेशन करूं, एक को लग रहा है मेरे को सर में दर्द हो रहा है मैं गर्म पानी पीऊं, एक को लग रहा है। तो ये क्या है, ये अलग अलग चीजें क्या है, ये है जो आपको आपने अपने जीवन में सीखी, और वो जितनी गहरा आपने जो है प्रयत्न किया उतनी ही जल्दी आपको उसका क्या मिलेगा कि रिजल्ट मिल जाएगा। मान लो कि आपको आपको ये समझ में, आपको रोज सर में दर्द हो रहा है, रोज शाम को अचानक से 4 दिन तक हुआ आपको, आप बोलोगे यार ये अचानक से सर में दर्द कैसे हो रहा है, रोज चाय पीना तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है वो मैं पी सकती हूँ, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू माई हेड, तो आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और अगर आप होल डे देखो तो आपको लगे कि यार आप बहुत ज्यादा ओवर जो है वो अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हैं और बहुत ओवरलोडेड है काम का, तो आप अपने बॉस को बोलते हो भाई कुछ भी करो मैं एक दिन छुट्टी लूंगा या एक दिन छुट्टी लूंगी, और उसके बाद में आप रिलैक्स करते हो, आप देखते हो कि वापस जो है और आप अपनी चीज में चेंज करते हो कि जो भी मेरे ऑफिस में आएगा मैं लोड नहीं लूंगी या लोड नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरे को ऐसा रिएक्शन दे रहा है। अब आपने क्या किया, उसका जड़ से निवारण कर दिया। अब आपको चाय पियोगे बट आप इंजॉय करके पियोगे, ऐसे हम अल्कोहल लेंगे मान लो कोई लेता है तो, बट वो मैं मेरी चॉइस से ले रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर समथिंग, है ना। तो ये आउटर डिपेंडेंस जो है वो बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, उसका हमने सॉल्यूशन सही तरीके से निकाला, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट ही हो गया, वो ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं बना, है ना। तो ये चीजें जो है ये भी माइंडफुलनेस का ही पार्ट होती है एक्चुअली में, और अगर माइंडफुल बच्चा होता चला जाएगा ना तो उसको उसको कभी भी जो है ये सारी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर मान लो इनकेस वो ऐसा करता भी है तो उसको अपने आप उसको लगेगा यार ये चॉइस
ठीक नहीं थी, हमें जो है उसके लिए और चॉइस, मैं देखिए और चॉइस करके देखता हूँ, देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे है ना चॉइस सीखते 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 बच्चे जो है अपने आप बहुत काफी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और काउंसलर का काम यही होता है कि एक अच्छा काउंसलर आपको चॉइसेस जो है देता है, एक अच्छा काउंसलर आपको ये बताता है कि कितनी सारी चॉइसेस अवेलेबल है और आप उसमें क्या क्या चूज कर सकते हैं और आप कैसे माइंडफुल हो सकते हैं, ये उसका काम है। तो ये आज का मेरा एक छोटा सा सेशन था, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको थोड़ा बहुत जो है यूजफुल रहा होगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं 3-4 क्वेश्चन ले सकती हूँ आज के सेशन में। आनंद भैया दीदी बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, वाकई बहुत मजा आ गया। मैं चाहूंगा कि आप ये जो चॉइसेस वाला जो वर्ड आपने यूज किया है ना, उसका एक एग्जांपल आपने हेडेक वाला दिया, इस तरीके से चाइल्ड के प्रोस्पेक्टिव में आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए, क्योंकि एग्जांपल से लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देके बताइए जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में लोग करें। जैसे आप मुझे कोई प्रॉब्लम बताओ तो मैं उस पर फिर आपको चॉइसेस का एग्जांपल दूंगी। कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे एडोलेसेंस की या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको पता हो तो जी, मैं ये चाहूंगा कि कौन सी, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है उनको आप लीजिए सबसे पहले, आपके दिमाग में जो पिक्चर बन रही है, क्योंकि वो उस तरह की प्रॉब्लम्स जिनको जो जिनको आपने सबसे ज्यादा देखा है वो कॉमन होंगी। तो ऐसी आप 2-3 प्रॉब्लम्स लेके और उसको कैसे चॉइस देनी है बच्चे को, वो हमें एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ देखो मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, ये चॉइस का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें तो हम चॉइस उनमें इंकल्केट करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली चॉइस का बहुत ज्यादा रोल वैसा नहीं होता जैसा टीनेज बच्चों के लिए होता है। उसमें हम छोटे छोटे बच्चों को बार बार चॉइस दे के ये सिखाते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपका जो बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, तो जैसे कई बार क्या होता है कि उसको गुस्सा आया किसी बात, ठीक है, बहुत तेज गुस्सा है उसने, गुस्सा मतलब वो एक रिएक्शन है, इट्स ओनली रिएक्शन ऑफ एंगर, ओके, फ्रस्ट्रेशन हुआ कि क्या है ये मेरे को दिया नहीं आपने, और फिर वो जो है वो बहुत जोर से बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है, उस बात पे आपने एक बार देखा, उसके बाद दोबारा देखा कि उसी बात पे वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे कि आप उसको, आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है आपको आपको गुस्सा आया, मैं समझ रही हूँ, ये है अक्नोलेजमेंट, या टू बी माइंडफुल अबाउट द इमोशन ऑफ द एंगर ऑफ योर चाइल्ड। आप माइंडफुल हो गए, आप गुस्से में जवाब नहीं दे रहे उसको, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे कि क्या है जब देखो तब गुस्सा, नहीं नहीं आप ये बोलोगे अच्छा अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, आई एक्नोलेज योर एंगर, चाहे गलती उसकी हो, क्योंकि छोटे बच्चे की एक्चुअली कोई गलती है सही नहीं होती, वो तो बस बिहेवियर करता है हमेशा, वो गलती है सही, हम ही उसको, समाज ही उसको सही और गलत में रखता है। तो मान लो कि उसने कोई चीज जो है, मान लो कि उसको कोई चीज चाहिए, कोई टॉय चाहिए, और आपने उसको स्कूल में नहीं, सॉरी शॉप पे नहीं दिलाया, और उसको बहुत गुस्सा आया और वो जो है गुस्से में आपको मार रहा है दुकान पे, ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। आपने देखा होगा बच्चे जो वहीं पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं मुझे तो जब तक नहीं दिलाओगे मैं यहाँ से उठूंगा ही, ठीक है, ये भी हो सकता है। ऐसे काफी रिएक्शन जो है वो बच्चे देते हैं, वो गुस्सा करते हैं, रोते हैं, ये नॉर्मल, सबसे पहले छोटे बच्चे या तो एंगर रिएक्शन दिखाते हैं या तो क्राइंग होता है, ये उनके लिमिटेड बिहेवियर्स होते हैं। अब चॉइस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, तो उसमें क्या है कि अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे चॉइस इनकल्केट करना उसमें शुरू करोगे कि देखो आपको टॉय चाहिए था, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आपने वहां पे आप गुस्सा कर रहे हो, वो भी मैं बिल्कुल जो है वो इसको भी समझ रही हूँ कि आपको गुस्सा आया उस टाइम, क्योंकि आपको टॉय चाहिए था, आपको बहुत अट्रैक्टिव लगा वो, सही में बहुत अच्छा था, कितना सुंदर कलर था, आपका फेवरेट कलर था, है ना, बच्चे को तो ये ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसको समझ आएगा अच्छा मतलब मम्मा मेरी बात समझ रही है। उसके बाद में मम्मा या पापा दोनों, ठीक है, मैं मम्मा के लिए बायस होना नहीं चाहती, मम्मा और पापा दोनों इक्वली जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके बाद में जो है फिर हम बच्चे को जो है उस टाइम तो अगर वो रोता है कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा गिल्टी है वो सब होने की कोई बात नहीं है, उसके बाद में हम उसको ये बता सकते कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो टॉय चाहिए या नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई और चीज चाहिए तो आपको वो चीज अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो आपको पक्का मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको जो है एक आप हंस के भी बोलोगे ना, कम्युनिकेट करके बोलोगे तो भी शायद मिल जाएगी या तो भी नहीं मिलेगी, बट गुस्सा करने से जो है आपको ये वाली जो है चीज नहीं मिलने वाली, ये गुस्सा और ये दोनों चीजें अलग हैं, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे को ये समझ में आने लग जाता है, ये मैं आपको कन्फर्म बता रही हूँ कि पक्का उसको समझ में आने लग जाता है, कि बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसमें। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाते हैं कि इस रिएक्शन से तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अक्नॉलेज कर लिया और आपने अक्नॉलेज करके उसको समझा दिया, उसको समझ आ गया कि यार सच में जब देखो मैं टॉय देख रहा हूँ ना, मैं वहां पे गुस्सा करने लग जाता हूँ या गुस्सा करने लग जाती हूँ, फिर बच्चा उसको अक्नॉलेज करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, शुरू में जब भी उसको कोई चीज दिला रहे हो
तो वो बोलेगा मैं दिला रहा हूँ, तो दो में से एक बार एक चीज दिलाने का, बट उसको चूंकि अब आपने एंगर इमोशंस किया तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये एक चॉइस नहीं, आप मुझे नॉर्मल बोलोगे तो भी मैं दिलाऊंगा, इसमें एंगर होने से ही आपको चीजें मिलती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो उसको समझ आएगा कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, फिर धीरे धीरे वो ब्रेक होता है चीज, फिर दूसरी चॉइस होती है, फिर तीसरा आप उसको क्रिएट करते हो, अच्छा ठीक है ये टॉय है क्या आपको मैं घर पे ये चीज करके बताऊं, फिर आप तीसरी चॉइस देते हो, फिर आप चौथी देते हो, फिर आप पांचवी देते हो, फिर आप छठवीं देते हो, फिर धीरे 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 उसको समझ में आता चला जाता है। तो जो है मेरी डॉटर के साथ ऐसे मैंने काफी एक्सपेरिमेंट करे हैं जहाँ पे कि पहले वो इस बात पे एंगर कर, मतलब एंगर का रिएक्शन उसने दिया, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस दिया, तो मैंने पहले बस उसको ऑब्जर्व किया कि वो कर क्या रही है, उसके बाद मैंने उसको अक्नॉलेज किया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया चॉइसेस देना कि देखो इसमें हम ये भी कर सकते थे, आपने इतना देर रो के टाइम वेस्ट किया अपना, और देखो आप पहले अपने आप को जो है प्यार करो, चलो आप खड़े हो जाओ, अपने आप को प्यार करो, क्योंकि मेरे को इस बात पे खराब नहीं लग रहा कि आप जो है मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, मुझे ये खराब लग रहा था इससे आपका नुकसान कितना हुआ, देखो आपकी बॉडी में देखो आपको कितना फील खराब फील हो रहा है ना आपकी, तो इस तरीके से फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा मेरी बॉडी भी है, अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ठीक है ओके मम्मा, है ना, और फिर उस तरीके से धीरे धीरे इसमें वो इंकल्केट जो है वो मैं भी कर रही हूँ, है ना, तो फिर वो बोलती कि अच्छा हाँ आई नीड टू लव माई सेल्फ, या ठीक है मैंने अपने आप को बहुत हर्ट किया रोके, है ना, फिर मैं उसको बोलती हूँ देखो इसकी जगह आप ये भी कर सकते थे अगर आप चाहते ना तो ये करते तो भी आपको शायद वो चीज मिल जाती है, नहीं भी मिलती तो आप करके एक बार देख सकते थे, ये भी एक ऑप्शन है कि आप सीधे कम्युनिकेट करते, अगर मैं नहीं सुनती तो आप मुझे समझाते कि मम्मी इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मेरा मन है मम्मा प्लीज, आप ऐसा भी बोल सकते थे, तो इस तरीके से धीरे धीरे है ना फिर क्या होता है बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, अक्नॉलेजमेंट ऑफ इमोशंस बहुत बढ़ जाता है और उसको समझ में आने लग जाता है कि ये दो ही लिमिटेड इमोशंस नहीं है, रोना और गुस्सा करना, और भी वैरायटी ऑफ वेज है टू कम्युनिकेट एंड टू यू नो मेक पीपल अंडरस्टैंड आउटसाइड ऑफ यू नो मी, लाइक है ना जो भी बच्चा है कि मेरे अलावा मैं लोगों को इस तरीके से कन्विंस या कर सकती हूँ, क्योंकि कन्विंस तो हमें हर बार करना ही है, बच्चों को भी हमें कन्विंसिंग सिखाना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज वी ऑल्सो कन्विंस चाइल्ड, दे ऑल्सो कन्विंस अस, सो वी नीड टू फाइंड पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वेज टू कन्विंस। ये हो गया छोटे बच्चों में, तो क्या होता है जब छोटे बच्चों में ये हम डेवलप करते हैं ना चॉइसेस, तो धीरे धीरे बड़ा होने के बाद में वो अपने आप ऐसी चॉइसेस खुद ही क्रिएट करने लग जाएगा, वो मम्मा आपको भी चॉइस देगा फिर कि मम्मा आपने ऐसे गुस्सा किया यार, आप मेरे को शांति से भी तो बोल सकती थी ना ये बात, फिर आप उसको अक्नोलेज करो टीनेज में कि हाँ आई एम सॉरी मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी, ठीक है मैं आगे से इस बातें में शांति से बात करूं, शायद मैं स्ट्रेस थी इसलिए मैंने ऐसा बोला, तो ये एक तरीके ये हो गया कि वो आपको चॉइस दे रहा था कि यार इसमें फालतू में इस बात को आपने इतना नेगेटिव किया, ये हो गया नॉर्मल जहाँ पे छोटे से बड़ा बच्चा हुआ। ये मैंने बहुत ही स्मॉल एग्जाम्पल दिया, बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बच्चा जो है वो स्कूल में जा रहा है और उसको जो है पढ़ाई में लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है अब आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं, भी लिखना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा, बच्चे को भी टीचर रोज डांट रही है और आप घर पे जो है पेरेंट मीटिंग में आपको भी डांट पड़ रही है, और जो है बच्चे को तो ऑलरेडी बहुत डांट पड़ चुकी होती है तब तक, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी होती है, तो अब हम क्या करें इस टाइम में, हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई की जब लिखाई की बात आती है तो पहले तो हमें बच्चे के साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को समझना होता है कि भाई यहाँ पे ये लिखने में क्या मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है वो लिखने की प्रॉब्लम है, उसका मन नहीं लग रहा है, या फिर जो है यहाँ पे जो है उसको हाथ में दर्द हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम्स के कई रीजंस हो सकते हैं, ऐसे उसके पास काफी चॉइसेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लिखने में ही हम काफी चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम शुरू में उसको ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से आपको चॉइसेस भी समझ में आती चली जाएंगी, जैसे वो बोलेगा कि पता नहीं मम्मा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो लिखाते तो मैं क्या लिखूं, फॉर एग्जाम्पल तो अभी तक हम उसको इस पे डांट रहे थे लिख लिख तू लिखता नहीं है तू इतना स्लो है तू लिखता नहीं है तू इतना स्लो है लाइक दैट, नहीं वहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है ना, तो वहां से आपको 10 चॉइसेस मिलेंगी, पहला ये कि हम इसको प्रैक्टिस कराएं रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा केवल लिखने की और सारा होमवर्क छोड़ दें, हम टीचर से प्रिंसिपल से बात करें कि भाई इसकी लिखने की प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले लेना है, तो मैं अपने बच्चे को थोड़ा इसमें टाइम देना चाहता हूँ, ये अननेसेसरी रिड्यूस करें बर्डन, उसके बाद में या तो हम उसकी प्रॉब्लम को समझें कि जो प्रॉब्लम है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसको लिखना ही पसंद नहीं है, उसको लिखने को नहीं जम रहा है, या उसको पेन नहीं जम रहा है, या उसको जो है मन में उसके प्रति डर बैठ गया है, उससे फिर हम 50 चॉइसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और वो चॉइसेस को अप्लाई कर करके देख सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। मान लो हमें ऐसा लगा कि वो बच्चा स्लो है राइटिंग में, फाइनल आपको पता चला तो एक्सेप्ट करने का उस टाइम, ठीक है यू आर स्लो इन राइटिंग आई एक्सेप्टेड यू एक्सेप्टेड एंड टेल टीचर्स टू एक्सेप्ट इट,
एंड डोंट मेक इट एज एन इमोशनल वो कि और इस तरीके से. तो धीरे धीरे बच्चों में ये डेवलपमेंट होता चला जाता है. यही साइकोलॉजी में सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है. आज स्कूल्स में भी, स्कूल्स में जो काउंसलर्स होते हैं वो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं इस बात की कि आप अक्नोलेज करो जो भी प्रॉब्लम है, बच्चों में चॉइसेस क्रिएट करो, बच्चों को आप ब्लॉक मत करो कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, तुमने लिखना अब तुम्हारा जिंदगी खराब है, अब तुम जाके समोसे बेचोगे. मेरी जो गुड़िया है वो एक बार जो है एक बार ऐसे ही बता रही थी, अरे मुझे पढ़ना पड़ेगा. मैंने बोला अच्छा किसने बताया आपको पढ़ना पड़ेगा. तो मैं तो उसको ऐसे ही एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चलता रहता है. तो वो बता रही थी कि मम्मा, मेरी मैम ने बोला अगर आप ऐसे नहीं पढ़ोगे ना तो चाय बेचोगे बैठ के. मैंने बोला अच्छा किंडरगार्टन में ऐसे बोल दिया, मतलब मेरे मन में मैं सोच रही थी. तो मैंने बोला अच्छा जो चाय बेचते वो पढ़े लिखे नहीं होते रीतम, तो फिर वो सोच में पड़ के गए. तो उसने सोचा ही नहीं कि एक्चुअली वो होते कि नहीं होते. तो फिर उसने ऐसे बोला पता नहीं टीचर ने बोला. फिर मैंने उसको समझाया ये बात पूरा डिटेल में समझेगी इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, उसका जितना समझ में आया ठीक है, बट मैंने कोशिश की उसके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने की कि ऐसा कुछ नहीं होता, हर काम बड़ा और अच्छा और ऐसा होता है इस तरीके से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने इम्प्रूव करी. तो इस तरीके से क्या होता है कि आजकल स्कूल्स में भी टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप चॉइस करो. और काफी ऐसे अच्छे टीचर्स जो मैंने देखा है, मेरे डॉटर की स्कूल में भी है, जो बच्चों को चॉइसेस देते हैं, कोई बात नहीं आपका मन नहीं लग रहा आज, कोई बात नहीं आप जो है आज, आप जो है आज का होमवर्क मत करो, कल देखेंगे, हाँ कल मैं मम्मा से बात करूंगी, आप अपनी मम्मा को बताना ये बात. तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे ये बात खत्म हो गई है, अभी अब मैं इसके अलावा बियॉन्ड सोच सकता हूँ, वो बियॉन्ड ही चॉइस है, वो बियॉन्ड ही रिसोर्सेज है जिसको हमें फाइंड आउट करना है. फिर आता है टीनेज की बात, एकदम टीनेज में जब है ना काफी प्रॉब्लम्स आती है जब वो लेके आते हैं. टीनेज में हमें एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि टीनेज इज वन ऑफ द एज वेयर आइडेंटिटी डेवलप्स इन द चाइल्ड. उनको ऐसे लगने लग जाते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मैं डिसीजन ले सकता हूँ अपने पूरी तरीके से, मुझे कोई नहीं रोक सकता आज की तारीख में. तो हमें उसके उस बिहेवियर को या उस बिलीफ को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. हमें क्या करना है उस समय, उल्टा कि हमें उसको ये बोलना है कि यस यू आर राइट, यू आर इंडिपेंडेंट, but these are also choices which probably you have not seen or you have overlooked or over it. So can you just look at these things? तो इस तरीके से प्यार से अगर आप बोलेंगे तो 100% उस बच्चे को आप तीन choices दे सकते हैं किसी भी बिहेवियर के रिलेटेड. जैसे मान लो कि वो बच्चा है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया किसी बात से, फ्रेंड से बहुत डिस्टर्ब हो गया या आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि देखो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप मेरे से बात करते हो, मैं आपको तीन तरीके और देता हूँ, उस तरीके से बात करोगे तो भी मैं शायद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे ही दूंगा जैसे आज दे रहा हूँ. तो बच्चे को अच्छा हाँ यार बात सही है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. तो इस तरीके से बच्चों में धीरे धीरे है ना वो चीजें इंकल्केट होना चालू होती है. वो बचपन से एक्चुअली करेंगे तो बड़े में अपने आप हो जाती है, बट टीनेज में भी हम ये कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल रहती है. मुझे लगता है शायद मैंने इस क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, अगर रियल में कुछ क्वेश्चंस होते तो थोड़ा आसान होता है, बट ये हाइपोथेटिकल